want to ask, what money? Which money? Probably the deal money. I understand that they are very terrified of this type of thing. Are you authenticating this? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राफेल सौदे पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री को चुनौती दी कि वो अपने दावे को साबित करने के लिए सोमवार को संसद में दस्तावेज पेश करें। राहुल गांधी के ट्वीट को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शर्मिंदगी भरा बताया। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी को ABCD से शुरुआत करने की जरूरत है। जाहिर है आज राफेल मुद्दे पर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है। राहुल गांधी के आरोप पर मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल अपने आरोप पर सबूत दें। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है और हिम्मत है तो सबूत के साथ सदन के अंदर रखें। चुनौती के साथ निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा और BJP और हम लोग भी उनको चुनौती दे रहे हैं कि चुनौती के साथ भ्रम ना फैलाएं। JF-17 हालांकि कैटिक पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री दोनों मिलके बना रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी महान बड़ी भरी उपलब्धि है। इस सिस्टम में पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा है क्योंकि ये जॉइंटली डेवलप हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। कंपेयर अगर राफेल से करें तो ये सिंगल इंजन है, राफेल ट्विन इंजन है। इसकी स्पीड राफेल से बहुत कम है। इसके कई रोल्स ऐसे हैं जो वो रोल नहीं कर पाता, जैसे कि ये इंटरडिक्शन रोल कर सकता है राफेल, राफेल न्यूक्लियर केपेबल है, राफेल सी ऑपरेशन हो सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। ये जो है JF-17 में नहीं है।